हेलो गाइस, नमस्कार। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं सीडी एक्सप्रेस फर्स्ट लव योर करियर पर। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिसने कोरोना शुरू होने के लगभग एक साल बाद तक भी अपने आप को कोरोना से फ्री रखा है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या कौन सा स्टेट है, क्या प्लान रहा उनका, उन्होंने किस तरीके से इतनी सतर्कता बरती कि अभी तक उनके पास एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, कोरोना ने उस स्टेट के किसी भी व्यक्ति को नहीं छुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपकी उलझनों को दूर करते हैं, आपके मन में जो संशय उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, कौन सा प्रश्न है, अगर कुछ लोग जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर कोई लोग नहीं जान पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कमेंट्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं बाद में या अभी भी कि आपको सेशन मेरा पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, या जो चीज़ें हम नई आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। देखिए, वो दीप है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप के ही एक बीच की फोटो लगाई गई है ताकि आपको थोड़ा सा सेंस लग जाए। तो लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अभी तक कोरोना का एक भी सकारात्मक केस नहीं आया है। देखिए, नो कोरोना से कोई आ रही नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती है। थोड़ा सा जियोग्राफिक ये ऑफसेट है इंडिया से, इसका भी बेनिफिट है, बट स्टिल इन्होंने बहुत अच्छे पैरामीटर सेट करे हैं, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हाँ भाई, विपत्ति के समय भी अगर हम बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें और पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करें तो ज़रूर हम मुसीबतों से बचे रह सकते हैं। इस बात का ये बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। भाई, शेयर किया है हमने लिंक, आप टेलीग्राम पर देखें, कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन तो चला ही जाता, फिर भी शेयर नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है। आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, जब दुनिया भर में कोरोना हाहाकार मचा रहा था, दुनिया की विकसित से विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो कोरोना से हाहाकार मचाए हुए थे, सब परेशान थे। और ऐसा ही नहीं कि वो लोग समझदार नहीं है, वो लोग बहुत समझदार भी थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, बट फिर भी कोरोना के वो कब्जे में आ गए। ऐसे में लक्षद्वीप ने कोरोना की बनाई हुई गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पालन करते हुए, जय हिंद शिवली जी, कोरोना की बचने की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए अपने आप को इश्यू हो गया। साउंड भाग गया दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं दोबारा से, कोई इशू नहीं है, वीडियो ट्रिम कर दिया जाएगा। अब तो साउंड आ रहा है प्रॉपर दोस्तों, अब साउंड आ रहा है प्रॉपर। देखो, बीच में थोड़े से डिस्टर्बेंसेज आ जाते हैं, उसी के थ्रू ये प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉपर साउंड आ रहा है, जवाब दीजिए भाई। हाँ, तो देखिए, हम चलिए शुरुआत करते हैं, कोई इशू नहीं है। लक्षद्वीप है हमारा, 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 10 द्वीपों पर सिर्फ इसकी आबादी रहती है। हुआ क्या, यहाँ पर लिटरेसी रेट 92% है। अब क्यों इनके कोरोना इनको छू नहीं पाया, क्या रीज़न था? देखो, भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया था कोरोना को लेकर, कि किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को अगर कोरोना से बचे रखना है। हाँ बेटा, शुरू से पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो आप, वीडियो ट्रिम कर दी जाएगी बाद में, कोई इशू नहीं है। देखो, लक्षद्वीप में सारी चीज़ें मेंटेन करी जा रही हैं। अब कहानी चल कैसे रही है, ये देखो कि आपको अगर लक्षद्वीप जाना है तो पहले आप पहुंची जाओगे, ठीक है? अगर माना 20 तारीख को लक्षद्वीप जाना है आपको, 20 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर तक कोची पहुंचो, 7 दिन क्वारंटीन में रहो, और क्वारंटीन रहने के बाद अपनी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाओ, तब जाके आपको लक्षद्वीप जाने को मिलेगा। इन्होंने ये नियम बना रखा था, कोई भी आदमी हो, चाहे वहां का सांसद हो, चाहे वहां का आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, स्ट्रीट वेंडर से लेके किसी बड़े से बड़े ऑफिशियल तक, सबके लिए यही रूल और गाइडलाइंस थी। तो यही तरीका रहा। हाँ, बीच में चले गए थे तभी से हो गया, कोई बात नहीं है।
देखिए वहां के सांसद हैं पीपी मोहम्मद फैजल, पीपी मोहम्मद फैजल हैं एनसीपी पार्टी से हैं, किनसे हैं एनसीपी पार्टी से, उन्होंने कह दिया है साफ से आप, और वहां की गाइडलाइंस में चीज फॉलो करी गई है। देखिए नमाज, अब जब वहां पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस ही नहीं है तो ना मास्क की जरूरत है ना सैनिटाइजर की जरूरत है, और कोविड 19 की कोई भी जो ऑब्लिगेशंस हैं, कोई भी जो पाबंदियां आम पब्लिक पर लगाई गई हैं वो कुछ नहीं है। लोग वहां अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं मजे से, लोगों की गैदरिंग्स हो रही हैं, मार्केट अच्छे से खोले जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट किस वजह से कि वहां के जो प्रशासन है उसने जो नियम बनाए और वहां के लोगों ने वो नियम कायदे कानून अच्छे से फॉलो किए। देख लीजिए मार्च से लेके दिसंबर तक का डाटा है, नो कंफर्म, नो डेथ, नो पॉजिटिव, कुछ नहीं, सब चीज क्लियर, ठीक है। अब दूसरी चीज आते हैं कि भाई केरल की भूमिका क्या रही। आप लोगों को याद होगा कि केरल में 2 से 3 बार कोरोना की वेव्स आ चुकी हैं। कोरोना का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट था केरला, और केरला से ही कनेक्टेड है ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केरला के कोचीन से ही कनेक्टेड है, सब यहीं से इसके शिप्स जाते हैं, और एक इसमें जो एक अगाती एयरपोर्ट भी है, अगाती में एक एयरपोर्ट है, ये देख रहे हैं आप स्ट्रिप, लंबी सी स्ट्रिप पर एक एयरपोर्ट एकमात्र इसका यही है, वो भी कोचीन से जाता है। तो होता क्या है, जब केरल से ही कनेक्टेड है और केरल में कोरोना है तब भी कैसे बच गया, इसी गाइडलाइन के थ्रू बच गया। तो इसकी गाइडलाइन बहुत अच्छी थी। अच्छा, आपके यहाँ शादी में रुक गए 32 में से 25% में ही हुआ है, नौ होना, क्या कहना चाह रहे हो? आ रहा है सर, अब आप बीच में चले गए थे इस वजह से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए, ये संगरोध का मतलब समझ रहे हो क्या है, इस संगरोध को क्वारंटाइन कहते हैं, कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, लक्षद्वीप प्रशासन ने, जो लक्षद्वीप का मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोचीन में एक क्वारंटीन सेंटर बना दिया। बोले अगर कोई भी लक्षद्वीप में आ रहा है तो 7 दिन पहले क्वारंटीन सेंटर में रुको, उसके बाद ही हमारे यहाँ आना, अदरवाइज भैया हाथ जोड़ रहे हैं आपके हम, ठीक है। ये वो एसओपी का डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था सभी देशों के लिए, सभी प्रदेशों के लिए, कि भाई आप अपने यहां से कोई भी व्यक्ति को भेज रहे हैं या आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो इन बातों का ध्यान रखो। जिन स्टेट्स ने इन बातों का जितनी कड़ाई से पालन किया वो उतने ही कोरोना लेस रहे, कोरोना फ्री रहे। देखिए ये क्या बता रहा है, ये वो मेन डॉक्यूमेंट है जो लक्षद्वीप में एंट्री करने के लिए ये जो फॉलो बताए गए हैं रूल्स। अगर कोई लक्षद्वीप के बाहर का आदमी लक्षद्वीप में आ रहा है तो 7 दिन कहाँ रहेंगे, अगर किसी रेड जोन से आ रहा है या किसी भी जोन से आ रहा है तो 7 दिन कोची में रहेंगे, उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट होगा, तब जाकर अगर वो निगेटिव आता है तो वेलकम, ठीक है, और दोबारा से 14 दिन का होम क्वारंटीन रखा जाएगा उनको, ठीक है, आइलैंड पर। 1-2 दिन के लिए तो जा ही नहीं सकते, ये इनके रूल्स एंड गाइडलाइंस थे। और अगर कोई लक्षद्वीप आइलैंड का ही पर्सन है, लक्षद्वीप का ही व्यक्ति है तो क्या होगा, 7 दिन तो कोची में रहेगा और उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो 14 दिन अपने घर पे रहेगा। तो ये सारे रूल्स फॉलो करें तब जाके ये बच पाए हैं। ये रहे इनके फैजल साहब, ठीक है। अब तक आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल देखे होंगे, लेकिन नहीं, इन फैजल ने तारीफ के लायक काम किया है या इनके नेतृत्व में ये काम हुआ है, ठीक है दोस्तों। कोई भी, इन्होंने कह दिया, बोले कोई भी अधिकारी हो, आम आदमी हो, जनप्रतिनिधि हो, कुछ भी हो, क्वारंटीन में तो रहना ही पड़ेगा, कोई छूट नहीं है किसी के लिए भी। लक्षद्वीप में स्कूल खुल रहे हैं, देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, मास्क अभी भी लगाए हुए हैं बट बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कहा है ना मास्क ना सैनिटाइजर, बट स्टिल क्योंकि लक्षद्वीप एक ग्रीन जोन का एरिया बन चुका है, शादी ब्याह के आयोजन हो रहे हैं। एक और खास बात देखिए, लक्षद्वीप ने न केवल अपने आप को बचाए रखा, लक्षद्वीप ने राधे 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 भाई, लक्षद्वीप ने न केवल अपने आप को बचाए रखा बल्कि दूसरे प्रदेशों को कोरोना से लड़ने के लिए भी मदद करी। कैसे करी मदद भाई, ये देखो ये महिलाएं मास्क बना रही हैं, छोटी सी ही सही मदद तो मदद ही होती है। देखिए
32 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ हमारा एक लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है। मैं आपको ये बात शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देखो लक्षद्वीप इसका मतलब होता है मलयाली या संस्कृत भाषा में लक्ष्य का मतलब होता है एक लाख, तो लक्षद्वीप का मतलब है एक लाख द्वीपों का समूह, पर वास्तव में एक लाख द्वीप नहीं है, द्वीपों की संख्या बहुत कम है। यहाँ की आबादी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 64,000 है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लक्षद्वीप किस तरीके से अपने आप को बचाए रखा, लक्षद्वीप ने किन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से दूर रखा और पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम करी। तो दोस्तों हम शाम को इवनिंग में लेकर आ रहे हैं एट पी एम को हम 100 क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं किस चीज के, जीके के और जीएस के, आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके। बस हमने टाइटल बना दिया एनटीपीसी एक्सप्रेस, बहुत फास्ट वे में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खूब खाओ, खूब पढ़ो, मस्त रहो। थैंक यू गाइज। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं, सारे मैं अपने पीडीएफ और सारा डाटा यहीं शेयर करता हूं। ठीक है, टेंशन ना ले, छोटा सा ही वीडियो था ये।